नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। एक वक्त पर सलीम जावेद की जोड़ी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। हालांकि एक वक्त के बाद इनकी लीजेंडरी जोड़ी टूट गई। अब सलीम खान के बेटे और एक्टर अरबाज खान ने इसे लेकर अपनी राय रखी है। अरबाज ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सलीम और जावेद फिर से कभी साथ होंगे। अरबाज के मुताबिक वे 14 साल के थे जब ये जोड़ी टूटी थी। हालांकि कुछ दिन पहले जब सलीम खान की तबीयत ख़राब थी तो जावेद अख्तर उनके घर आए थे। उन्होंने करीब 2 घंटा सलीम खान के साथ बिताया था। अरबाज के मुताबिक दोनों को साथ देखना उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। अरबाज ने कहा कि वो दोनों अब अक्सर फ़ोन पर बातें करते हैं। सलीम और जावेद भले एक दूसरे से अलग हो गए हों, लेकिन दोनों के बच्चों के बीच दोस्ती ख़राब नहीं हुई। खान भाइयों का फरहान अख्तर और जोया अख्तर से मिलना जुलना जारी रहा। उस वक्त को याद करते हुए अरबाज ने कहा, हम जावेद साहब से मिला करते थे। जावेद साहब भी हमारे घर आते थे, हम भी उनसे उनके घर जाकर मिलते थे। जोया और फरहान के साथ भी हमारी फ्रेंडली संबंध थे। वे दोनों हम लोगों से उम्र में छोटे थे। जब डैडी और जावेद साहब में अलगाव हुआ तो हम बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अरबाज ने आगे कहा, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि डैडी और जावेद साहब दोबारा दोस्त बनेंगे। वे दोनों अक्सर फ़ोन पर बातें करते हैं। जावेद साहब डैडी से उम्र में छोटे भी हैं, इसलिए वे अक्सर उनकी तबीयत की जानकारी लेते रहते हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।